अल्लाह, एक तो ये मजदूरी कर करके थक गया। कितनी बोरी हो गई सजावल? साहब जी 50 बोरी हो गई। चलो ठीक है, अब दूसरा काम करना है। ठीक है साहब जी। ठीक है यार, हेलो, क्या? ठीक है मैं आता हूं यार। एक तो वालिद साहब से तंग आ गए, रोज बीमार हो जाते हैं। कितनी बार समझाया है कि कम खाया करो, कम खाया करो। अब हम यहां मजदूरी करें या इनको संभालें? अब फिर साहब जी से छुट्टी मांगनी पड़ेगी। साहब जी आपसे एक अर्ज करनी है। फिर कोई नया ड्रामा करना है? साहब जी वो वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, तो अगर छुट्टी मिल जाए तो। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? एक तो आपके वाले साहब रोज बीमार हो जाते हैं, मेरे कारोबार का मसला बन जाता है। साहब जी सिर्फ आज के दिन छुट्टी दे दें, आइंदा कभी छुट्टी नहीं मांगूंगा आपसे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक तो यार क्या मुसीबत बनाई है। ठीक है चले जाओ। एक तो वालिद साहब ने कहीं का नहीं छोड़ा, एक काम मुश्किल से मिला है, इधर से भी निकलवा के रहेंगे। क्या करूं यार, दिलावर को कॉल करनी पड़ेगी। जावल ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। हाँ अच्छा, ओहो क्या हुआ उनको? चले आप ले जाएं उनको, मैं भी उधर ही आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है हाँ, चलो मैं आता हूँ भाई। अल्लाह हाफिज़। एक तो बुआ, पता तो नहीं बुआ क्या हो जाता है। और आशा और आशा वगी तैयार दी, तेरा रजान दी, तेरा रजान दी। आय हाय हाय, सुबह से वल्लाह से कोई खाक नहीं आया यार, हमारा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा। अरे टिंगड़ा टिकंग, टिंगड़ा टिकंग, टिंगड़ा टिकंग, आ गरम गरम चले। ये लो भाई 50 रुपए दे यार, जो भी आते उधार लेके जाते यार। आए हाय हाय, तो ये गाथ नहीं आया, नहीं है आज सुबह से गाथ नहीं है, क्या बकवास है यार। ओए हो रहा है, अल्लाह खैर करे, इसने तो पिछला पैसा भी नहीं दिया यार। वो गुल खान, मेरा आज भी खाना खराब होगा। गुल खान ये तो खुराकी मामा आ गया है, अब इससे कैसे जान छुड़ाएगा। या अल्लाह गुल खान, ये खुराकी मामा तो हमारा पूरा रेडी खा जाएगा। दिल तो करता है ये दातरी इसके सर पे मारे। देखे इसके बच्चे बहुत पालावान है, हमें मार मार के पागल कर देगा। यार माल तो इधर है। या अल्लाह खैर। चली वाले। ओ मामा, ओ फराकी मामा। ओ भाई ऐसे करो ना, ये 15-16 छलियां जो है ना वो शापर में डाल दो, और हिसाब जो है ना वो मेरे बेटे के खाते में लिख दो। यार ना भी दे तो क्या होगा, अगर जी है तो भेज के। यार जोली करो मामा,
जोली करो हमारे पास। तुम्हारे पास यार नहीं है यार, महंगाई है यार, जोली करो। शापर भी नहीं यार, कैसे दुकानदार हो तुम यार? हमको माफ करो, ये ले जाओ यार, उठाओ, फेंक लो यार से यार। फिर दो चार और डालो ना यार, इससे हमारा भूख किधर बैठता है। ले जाओ यार, ये पे कौन सा तरीका है यार, कोई गरीब का यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है यार। मेरी जली सारी गई। ये दो छलियां भी जो है मेरे बेटे के खाते में लिख देना, अच्छा? घबराओ नहीं, हम आराम नहीं खाते, अच्छा? हाँ, अगर ऐसा है फराकी मामा, वल्लाह अच्छा, मैं एक दिन पूरा पाकिस्तान आपके बेटे के खाते में लेकेगा। और यार ये कौन सा तरीका है यार, हम नहीं करते ये काम यार। तो फराकी मामा आ गए, एक हफ्ते का दूध एक दिन भी खत्म हो जाएगा। एक चाय ले आओ। छोटे इधर आओ। एक 20 साल लड़की एक 50 साल बूढ़े के साथ भाग गई। हाय हाय, हमारी किस्मत खराब, हमारे साथ तो एक भी नहीं भागी। हाय, क्या हुआ है? मुझे खारिज लगी हुई है, चाय भी आ गई है, चाय पी लेता हूं। और खुदा का वास्ता है, सारा दूध खत्म कर दिया है तुमने मेरा। जाओ इधर से, जाओ जाओ। ये तुम्हारा अजीब होटल है, इतना सा दूध रखते हो? होटल इतना बड़ा रखा हुआ है, उधर और कमरे भी हैं बहुत सारे, बाहर लान भी है। क्या दूध नहीं है तुम्हारे पास? अभी तो इस पेट में कोई असर ही नहीं हुआ, होटल बनाया हुआ है। और पैसे तो देते जाओ ना। पैसे ऐसे करो ना, मेरे बेटे के खाते में लिख दो, अच्छा? हाँ, वो तुझे पैसे दे देगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। वो कमरान के घर में खत्म कुरान था, उसने बोला था कि आना है, तुम चले जाओ ना वहाँ पर, हाजिरी भी लगा लो और मेरे लिए भी चावल ले आओ। क्या यार, सादी मिठाई होगी? मिठाई नहीं है, उसने मुझे बोला था बिरयानी है, बिरयानी कराची वाली। बिरयानी? हाँ, चलो मैं जाता हूँ। शाबाश, जल्दी तुम्हारे लिए भी लेके आता हूँ। हाय हाय हाय, उमर लो गर्मा गर्म बिरयानी आ गई। गर्मा गर्म बिरयानी, दोनों साथ खाएंगे। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरा ख्याल है इधर से आ रही है। चावल, बिरयानी की खुशबू। ओ तेरी, क्या हुआ? खुराकी मामा आ गए, चावल छुपाओ। खुशबू खुशबू, वो फिल्म वाली खुशबू नहीं, चावलों की बम्बे बिरयानी की खुशबू आ रही है। बम्बे बिरयानी की खुशबू आ रही है, चावलों की खुशबू। ये बताओ कहाँ छुपा के रखे हैं आपने चावल? चावल चावल तो नहीं है, हम तो वैसे ही गपशप लगा रहे हैं, जाऊं यहाँ से? ये कभी नहीं हो सकता, 12 मुल्कों की इंटेलिजेंस गलत हो सकती है, लेकिन खुराकी मामा की सूंघने की हिस कभी गलत नहीं हो सकती। निकालो चावल, कहाँ है चावल? चावल निकालो, जल्दी करो जल्दी करो।
मामा हमारे पास चावल नहीं है, हम वैसे बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर लेट जाता हूँ। कब तक छुपा के रखोगे बच्चों? मैं भी आज नहीं जाऊंगा, चाहे पूरी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ जाए। कब तक छुपाते रहेंगे? चलो निकालो, खाते हैं, थोड़े से सी भी दे देंगे। मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये हुई ना बात। वो मेरी बात सुनो, वो तुम्हारा वालिद साहब जो बीमार था तो उसका क्या बना है? हमारे वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, वार्ड नंबर 10 में। वार्ड नंबर 10 नहीं था, 8 था। 10 था, 8 था, मैं गया था। ओ, मैं बोल रहा हूँ तुम बड़े हो के मैं बड़ा हूँ, मुझे पता था यार, मैं गया था, मैं उनके साथ गया था, वार्ड नंबर 10 था। सबर करो, सबर करो। हेलो हेलो, मैं जा रहा। ये क्या, ये खुराकी मामा तो हमारे साथ गेम कर गया, हमें लड़ाकर सारे चावल खा गया। तुम भी बेवकूफ हो, इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, अब बैठो ऐसे ही। एक तो अब आपको कितनी बार कहा है कि कम खाया करो, कम खाया करो। ओए मैंने क्या खाया है यार, ओए दो मुर्गी खाए हैं और तीन डिशें खाई हैं चावलों की, और क्या खाया है। ओए मेरे खाने पे भी अब पाबंदी लग गई है। ये आपको कुछ नहीं लगता बजी? दे दे। आराम करें, आराम करें, कुछ नहीं होता, आराम करें। आराम के लार कोई जा रहा ही नहीं है। यार छोटे, मेरे पास तो जितने पैसे थे मैंने सब डॉक्टर को दे दिए, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो रात के खाने का इंतजाम कर दो। कहाँ से लाऊं भाई पैसे, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल 30,000 का बिल जमा करवाया मैंने, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? ये कोई नई बात तो नहीं है, रोज बीमार होते हैं, रोज उनके ऊपर पैसे लगते हैं। वाला से जावेद खान, कसम दे रहा पसी से दमा दिया जी, ये खुराकी मामा से हम एक एक रुपए का हिसाब न ले, हम दारा नाम भी गुलखान नहीं है। मेरे होटल को भी तबाह बर्बाद कर दिया इस खुराकी मामा ने। ये खुराकी मामा ने हमारा तकरीबन 10 थोड़ा जो है ना वो चले कर ले कर गया है, वापस हमको एक रुपए भी नहीं दिया। अच्छा, तुम्हें भी हाथ लगाए? हाँ, मैं तो यार इसमें छूना लगाया, मैंने रेड़ा बेच दिया अपना। यार रेड़ी क्यों लगाते हो यार? किधर जाए यार बंदा, ये पाकिस्तान में जिधर भी जाओ ये खुराकी मामा वो शैतान की तरह नाजिल हो जाता है यार। हम क्या करें यार, हम मजदूर बंदा है। चलो इसके बेटों से बात करते हैं। यार मैं नहीं छोड़ता, मैं तो एक रुपए लेगा। मैं अंदर आ जाओ, आ जाएगा, आ जाओ, आ जाओ अंदर। यार ये पैसा हम लेगा। ओए अल्लाह, मेरा खुराकी मामा मर गया हुआ है, वो मेरा पैसा कौन लेगा? खुराकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मामा मर गया, हमारे खुराकी मामा। अब बीमार है, मरे नहीं है, बीमार है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, वो जिंदा है आपका अबू। शुक्र शुक्र शुक्र। ओ खान, क्यों मुझे मारना चाहता है? ओए अभी तो मैंने एक शादी और करनी है। खान आखिर बात क्या है? बात यार क्या बात है यार,
ये जो आपका अब्बा है ना, इसने हमारे जो ने 3-4 बोरी चली खाया है और इस हमारे पंजाबी भाई का पूरा दूध खाली कर, मेरा मतलब है होटल का दूध खाली। और मेरे होटल पे कोई बंदा नहीं चलता है, इसकी वजह से इसने सारे जो ने चाय बर्बाद कर दी मेरे होटल। अगर खा पी लिया तो क्या हो गया? हमारा सिर्फ जो है ना 70,000 रुपए बना यार, मिसाल लगा के मिसाले वाले मेरे पीछे पीछे। समझाओ ना, पूरा होटल मेरे से खाली कर दिया, कोई बंदा तुम्हारे पैसे हम लौटा देंगे। अभी हालत तो देखो हमारे बाप की, हालत खराब है, ये वर्जिश कर रहा है, ये तो इनकी हालत पर थोड़ा तर्स खा ले, देख ले। ओ यार इसका हल मेरे पास है, तुम दोनों इधर आओ, फिक्र ना करो, मेरे पास हल है इसका। यार हमारे भाई ने ना एक ट्रैक्टर लिया था, उस ट्रैक्टर में जो है ना घरारी में बहुत ज्यादा जंग लगा था, मेरे भाई ने मोबाइल चेंज किया, वो ट्रैक्टर बिल्कुल है घर 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 रोड पे चलता है। तुम्हारे भाई का थोड़ा अबे का मोबाइल खराब है और इसका मोबाइल चेंज करो, ये भी ट्रैक्टर की तरह उर, उर, चलेगा। तमीज से बात करो, हमारा बाप कोई ट्रैक्टर नहीं है। बदमाशी मत करो, हमारा पैसा दो पहले भाई। यार पंजाबी भाई ठीक बोलता है, पैसा दो यार, पैसा देगा तो हम जाएगा, नहीं तो अल्लाह अच्छा मैं इधर नहीं जाएगा, मैं इधर नहीं जाएगा। हम तब जाएंगे, हमारे पैसे दोगे तब जाएंगे। पंजाबी भाई खान की बात, खान का जबान एक ही होता है, खान बात करेगा, खान बात करे, मैं एक बात करेगा। वैसे हूँ मैं बहुत गुस्से का बंदा, लेकिन दिल मेरा पहचान वाला जरा कमजोर सा है, मैं आपको सबर। अभी अब्बू को हम अस्पताल से लेकर आए, ये देखें हमारे पास जो पैसे हमारे पास कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास यार। फिलहाल एक 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 बात करेगा, उसके पास हम जाता है, फिर ये पंजाबी भाई को भी लेके जाता है। तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता है यार, एक 10 रुपए दे दो, हमने नस्वार लेना, नस्वार का पैसा भी नहीं है यार, हमारा दिमाग काम नहीं करता है नस्वार के बगैर, कोई नस्वार से स्वार है ये नस्वार भी आप ले लें, नस्वार ले ले, अब चले जाओ, हम आपको पैसे लौटा देंगे। आप बात पे फिक्र है, ये नस्वार पे हाथ करो, नस्वार पे हाथ रखो, ये नस्वार की कसम, नस्वार की कसम खा, पैसा देगा, चल पंजाबी भाई नस्वार की कसम, मैं तो पैसा लेकर ही मेरा होटल खाली कर दिया। ये मैं फूटी कोड़ी नहीं है, इनका कर्जा कहां से उतारेंगे? कर्जदारों को छोड़ो, पहले अब्बू को तो सीधा करे। ये क्या हो गया इनको? अबा जी तुम टांगों से पकड़ो, सीधा करो, सीधा करो, खींचो, ठीक हो गया। ए मेरे अल्लाह, लोग बेटों की हिदायत मांगते हैं, हम तुझसे अपने बाप की हिदायत मांगते हैं। आमीन। थक गया मैं भी यार, रोज रोज अबू का देखभाल और लोग लोग से ये बिल। ये चाय वाले का 3,000, गुलखान 300, 500, 5,000, 400, इतना बिल कहाँ से अदा करेंगे? अरे अब्बू का बैलेंस फिर किस बैलेंस हो गया? हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं यार। डॉक्टर साहब, हमारे अब्बू को चेक करें। ऊपर 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 चाय दे, ऊपर चाय दे। आराम से, आराम से, आराम से। डॉक्टर साहब, हमारे अब्बू को चेक करें, इनको फिर से वही मसला हो गया जो कल हुआ था। अब थोड़ा साइड पे हो जाए, तसल्ली रखे, मैं चेक करता हूँ, थोड़ा साइड पे हो जाए। इनको फिर वही मसला हुआ है। डॉक्टर साहब, इसके कोई पक्का हल निकालें। इनको वही इंजेक्शन लगेगा कल वाला, आप दोनों बाहर इंतजार करें, इंशाल्लाह अल्लाह बाखैर करेगा। ठीक है सर।
ये इंजेक्शन जल्दी ले आया, अभी लगाने दो, ठीक है? अली, वो दोनों उनको अंदर बुला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा बैठे बैठे। आपको पता है इनको कौन सी बीमारी है? बॉडी हेमरेज। ये बीमारी दुनिया में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ये जब भी इनको यही झटका लगेगा, इनको यही इंजेक्शन लगेगा। हजार का इंजेक्शन दो तीन दिन बाद होगा, तो वो बीमार होते इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। मेरे पास इसका हल है, अगर आप दोनों मेरी बात को गौर से सुनना दो। कैसा हल डॉक्टर साहब, हमें बताएं। आपको पता है मैं वर्ल्ड वाइड मेडिकल रिसर्चर हूँ, और मैं ऐसे पेचीदा मरीजों पे एक्सपेरिमेंट करके इन बीमारियों का इलाज दरियाफ़ करता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आपके वालिद साहब पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और इस एक्सपेरिमेंट में इनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, और इसके बदले मैं आप लोगों को कुछ रकम दे सकता हूँ, जिनको आप इनकी लाइफ इंश्योरेंस समझ सकते हैं। समझ नहीं आई डॉक्टर साहब। मेरा कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, आप लोग 5 लाख रुपए लें और अपने वालिद साहब को इधर ही छोड़ दें, मैं इनका अपने तरीके से इलाज करूंगा। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ भाई, तो क्या कहते हो? ठीक डॉक्टर साहब, हमें मंजूर है। ये 5 लाख रुपए ले और आप लोग चले जाए, लेकिन ख्याल करना है, किसी को बताना नहीं है, खासकर पुलिस को। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक है, कर रहे हैं आप, किसी को नहीं बताएंगे। चलो ठीक है, आप लोग जाए। पाँच लाख मिल गए हमें। शुक्र है डॉक्टर साहब ने 5 लाख में हमारे अबू ले लिए। अबू से भी जान छूट गई, रोज रोज के इंजेक्शन और बीमारियों से वैसे भी इंजेक्शन में 16,000 रुपए का। हाँ। वैसे भी पाल परहेज करने वाले नहीं थे, शुक्र है जान छूट गई हमारे उनसे। और जो पैसे ये 5 लाख है ना, जिन जिन के देने अबू उनके दे देते हैं, जो बच जाते उनके घर में राशन। ठीक है, तो ठीक है, चलो चलो। 5 लाख रुपए तो अबू के कर्जों में चला गया, अब आगे कैसे गुजारा करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ओए, अबू गए ना, जायदाद तो यहीं पर है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अबू इन लिल्लाह हो जाए और जायदाद हमें भी ना मिले तो क्या फायदा? क्यों ना हम जाए कागजात लेकर अबू के अंगूठे लगवा लें। हाँ, पहली बार तुमने ठीक बात कही। उठो भाई, जल्दी करो, चलो निकलते। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है। आप लोगों का इंतजार था मुझे। डॉक्टर साहब, अबू नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो आप लोगों को अबू की याद आ ही गई। चलो, हफ्ते बाद आए हो, लेकिन आ तो गए हो ना। डॉक्टर साहब, याद बात कोई नहीं आई, जायदाद के कागज है, जायदाद के अंगूठे लगवाने अबू के। अबू से क्या लेना देना हमारा, अंगूठे चाहिए हमें। वाह बच्चो, वाह। अबा जी। अबू। वाह अबू जी, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम दोनों को माँ बाप का प्यार दिया, तुम दोनों के लिए है। मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की ताकि तुम तालीम हासिल कर सको और तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो और तुम अच्छे इंसान बन सको, लेकिन अफसोस ना ही तुम तालीम हासिल कर सके और ना ही अच्छे इंसान बन सके। अरे तुमने क्या किया, चंद पैसों की खातिर अपने बाप को बेच दिया, लेकिन मैं इल्तिजा करता हूं, इल्तिजा करता हूं उन बच्चों से, खुदारा खुदारा मेरे बच्चों ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया है, लेकिन तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना, क्योंकि दुनिया में हर चीज मिल जाती है,
लेकिन माँ बाप नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। मुझे किसी किस्म की बीमारी नहीं थी, ये तो मेरा और डॉक्टर साहब का प्लान था। मैं तुम दोनों को आजमा रहा था कि तुम दोनों में मेरा फर्माबरदार बेटा कौन सा है। मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम लगा देता, उसके नाम लगा देता, लेकिन दोनों ही नाफरमान निकले, दोनों ही नाफरमान निकले, नाफरमान निकले। तुमने पैसों की लालच में अपने बाप का सौदा कर दिया है, सौदा कर दिया है। बच्चे जितने भी नाफरमान हो लेकिन बाप तो बाप होता है, माफ कर देता है। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, माफ कर दिया। हमसे गलती हो गई, आज आप मेरे घर खाना खाएंगे, मेरे साथ चलेंगे। नहीं अबू जी, आज हमारे घर जाएंगे, आज मेरे साथ चलेंगे भाई, आज हमारे साथ जाएंगे। प्लीज मेरे साथ जाने दो अबू को, भाई रहने दे, भाई रहने दे, आज मेरे साथ जाएंगे अबू जी। हालात जैसे भी हो, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। ये तो उनसे पूछें जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे अब।